स्वागत है गाइस आपका ब्रांड न्यू वीडियो पे। आज हम खेलने वाले हैं, कुछ भी नहीं खेलने वाले भाई, आज हम डिस्कस करने वाले एक बड़ी सी कंट्रोवर्सी के बारे में जो कि भाई चल रही थी, ठीक है, जो कि अब खत्म हो चुकी है भाई, समझ रहे हो तुम। लेट्स गो भाई, देखने वाले भाई क्या क्या कॉन्ट्रोवर्सी हुई है पास्ट में BGMI कम्युनिटी के अंदर। और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधा चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। लेट्स गो ब्रो। चलो जी, डीवोल्यूशन सीरीज का पहला भाग, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2019 की कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज के बारे में, पुरानी कंट्रोवर्सीज के बारे में। इनमें कुछ कंट्रोवर्सीज काफी मेजर भी है इस पूरी सीरीज में। मैं किसका नाम लिया, मंथ ऑन मंथ हर मेजर कंट्रोवर्सी का पूरा जो काफी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2019 की कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज के बारे में। मोटल ठग, स्काउट लक्ष्य चौधरी, डायनामो काफी यूजलेस थी। इनमें कुछ कंट्रोवर्सीज काफी मेजर भी है इस पूरी सीरीज में। मैं तुम लोगों को ईयर ऑन ईयर एंड मंथ ऑन मंथ हर मेजर कंट्रोवर्सी का पूरा नॉस्टैल्जिक फील देने वाला। अच्छा, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों को एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। इस वीडियो के थ्रू मैं किसी भी प्लेयर या क्रिएटर को हेट नहीं देना चाहता। एडिशनली आई एम नॉट ग्लोरिफाइंग एनी काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी। ये सभी वीडियोस इंटरनेट पर अवेलेबल है। आई एम रिक्वेस्टिंग यू गाइस प्लीज कमेंट सेक्शन में। भाई कह रहे मैं पहले ही हाथ पीछे कर लेता हूँ कि कोई नया किस्सा चालू, मैं पीछे हाथ कर लेता हूँ थोड़ा सा। बाय द वे भाई की वीडियो है शोमैन एएफ की। किसी को भी हेट मत देना, ये 5 साल पुरानी बातें हैं। सिट बैक एंड जस्ट एंजॉय दिस वीडियो। तो इस पूरी गेमिंग सीन की शुरुआत 2019 में हुई थी। सही बात तो है। सबसे पहले 2019 में शुरू होती है मॉर्टल वर्सेस यमराज की कंट्रोवर्सी। अच्छा, बाय द वे अगर आप लोगों को यमराज के बारे में नहीं पता है तो बताना चाहूंगा। कौन नहीं जानता इस बंदे को भाई। ये बंदा ना अभी तक लोगों के दिमाग में खौफ है इस बंदे का कि भाई यमराज भाई सब जानते होंगे भाई यमराज को यार, कि हैकर था, समझ रहे हो तुम भाई, इतना बड़ा हैकर था भाई यमराज। ये उस टाइम का बहुत ही बड़ा चीटर था इस गेम का, जो ओपनली हैक्स लगाकर स्ट्रीम करता था। तो इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई जब मॉर्टल यूजुअली अपनी स्ट्रीम कर रहे थे एंड उनकी मैचमेकिंग यमराज से हो जाती है। अच्छा, मॉर्टल को सस्पिशियसली मार देते हैं। मेरे को नहीं पता भाई ऐसा कुछ भी हुआ था, मैं भाई बच्चा था उस टाइम पे यार। ये मेरे को डाउट आ रहा है इस पे बे, मेरे को डाउट आ रहा है इस पे। अच्छा, के बीच मॉर्टल ने कुछ भी गलत नहीं कहा, ही वॉज जस्ट अपोजिंग द चीटर। Yes, act. ठीक है। क्या गाइस, बोला था मैंने, मेरे को मालूम था ये बंदा हैकर है। अच्छा जी, ऐसा नहीं है कि हमें मालूम पड़ता है गाइस कि कोई किसी को मारेगा तो हैकर है कि नहीं। ये नहीं कि हम मर गए तो हम हैकर बोले। मालूम यार, देखो मालूम तो ऐसा कुछ अपने आप, यार देखो गेम सेंस पे होता है, तुम्हें मालूम पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। ठीक है, अभी तो भाई थॉर ने उसके साथ मावी भाई के साथ करा था अपना 1v1, तो उसमें मावी भाई कह रहे थे हैक लगा के आया ना तू, मेरे पास कुछ डिवाइस है भाई हैक का, हैक पता कर देगा। डिवाइस सही वे, ठीक है भाई, ठीक है, डिवाइस गलत चल रहा था वहां पे यार। या तो हम तो कह रहे थे ही वाज आइदर वेरी गुड और अ हैकर। बट यमराज की तरफ से हमें एक स्टेटमेंट देखने को मिला जिसमें उन्होंने टीम सोल के ही एक प्लेयर स्लैश क्रिएटर पर एलिगेशंस लगाए। अच्छा, अच्छा। किया था फॉर रैंक पुश। ऑल्दो इसमें कितनी सच्चाई है वो मुझे नहीं पता। नाम नहीं लूंगा, मैंने मोर्टल तक को बोली है बात, उसके मुंह पे चैट पे बोली है कि भाई तेरे सोल का एक ही बंदा मेरे पास आया था पुश लेने के लिए। यमराज ने मॉर्टल को अब्यूज भी किया एंड आयरोनिकली यमराज को लगता था वो जो भी कर रहे हैं वो सब कुछ सही है। बट टू बी ऑनेस्ट दैट वाज अ पीक ऑफ पबजी मोबाइल, क्योंकि यमराज ने एटलीस्ट एक्सेप्ट तो कर लिया था दैट ही वाज चीटिंग। इस जनरेशन के प्लेयर्स तो हैक लगाकर अपना करियर बना लेते हैं, पर इस कंट्रोवर्सी की बात करें तो ये काफी एक्सटेंड हुई। भाई यार इस बंदे ने मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी थी भाई एक्सेप्ट करके। सही में इसका मैंने पॉडकास्ट भी देखा था सैगी का, कह रहा भाई मैं बताता ही ना तो सही हो जाता सब। बात सही है भाई, अभी भी राउंड में हैकर्स हैं भाई, मस्त चीटिंग कर रहे हैं भाई, खेल रहे पटापट, बता नहीं रहे और किसी को, पर पकड़े भी नहीं जा रहे यार। बिकॉज़ स्काउट भाई भी इस कंट्रोवर्सी में जुड़े। अच्छा, इस कंट्रोवर्सी का एंड हुआ बिकॉज़ स्काउट भाई ने यमराज का ब्रेन वॉश कर दिया था, जिसके बाद यमराज ने हैकिंग छोड़ दी। अच्छा दोस्तों, क्योंकि स्काउट भाई ओन्स दिस सीरीज फॉर 2 एपिसोड। क्या बात कर रहे हो, ये कंट्रोवर्सी तो सॉर्ट हो गई, पर फरवरी में दूसरी तरफ यानी एमिलेटी कम्युनिटी में काफी बवाल मच रखा था। चीटो मैन ने पूरी एमिलेटी कम्युनिटी को कॉल आउट किया था, ऑल्दो उनका पूरा चैनल ही एमिलेटी को ब्रेक डाउन करने पर बेस्ड था। भाई इस बंदे का पूरा कंटेंट में तो डायनामो दिख रहा है भाई। भाई देख लो तुम, ये एक वीडियो डायनामो की, दूसरी और फिर तीसरी चौथी। भाई ऐसा करा गया क्या था कि डायनामो भाई को कॉल। इन सब की शुरुआत होती है जब चीटो मैन डायनामो अल्फा एंड उनके क्लैनमेट्स को एक्सपोज करते हुए एक वीडियो रिलीज करते हैं। जैसे हम चीटर्स को नोबड़ा बोलते हैं, वो एडवांटेज लेके खेलते हैं,
ये भी एडवांटेज लेके एमुलेटर पर मोबाइल वालों को मारते हैं, तो ये भी नूबड़े हैं भाई, सीधी शब्दों में बोल रहा हूँ, नूबड़ा है। जिसमें उन्होंने डायनेमो को कॉल आउट करते हुए कहा दैट हाई एंड पीसी पर मोबाइल गेम नहीं खेलना चाहिए, इंस्टेड प्ले पबजी पीसी। एंड सिर्फ हाइड्रा पर ही नहीं, उन्होंने गॉडलाइक के क्रॉन्टन पर भी हैकर्स को सपोर्ट करने के एलिगेशन लगाए। स्काउट गरीब एंड काफी वेल नोन लोगों पर भी काफी एलिगेशन लगाए। इसमें कॉल आउट कम, पर्सनल हेटरेट ज्यादा होती थी। वैसे तो ये काफी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी थी जो कि नेक्स्ट 6-7 मंथ्स तक चली, बट मैं आपको मेजर पार्टी बताने वाला हूँ। एंड ये कॉन्ट्रोवर्सी एमुलेटर प्लेयर्स को अपोज करने की वजह से हुई थी, एंड खासकर डायनो भाई वाज द मेन टारगेट, क्योंकि सबसे बड़ा क्रिएटर है भाई वो, ग्रो कर रहे थे। नॉट ओनली दिस, चीटो मैन की मदर को GTX स्पीड से थ्रेट्स भी मिले। अच्छा जी, मैं आपका नंबर कहीं से ला सकता हूँ ना आंटी, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, समझ सकते हो। मैं देखो, मैं नहीं चाहता कि आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम हो। इसको मैं ज्यादा स्ट्रेच नहीं करूंगा, बट GTX स्पीड उन स्ट्रीमर्स में से है जो कॉपीराइट स्ट्राइक्स को उस टाइम पर अब्यूज किया करते थे। एंड जब चीटो मैन ने उन्हें कॉल आउट किया अपने वीडियोस के थ्रू, तो GTX स्पीड ने चीटो मैन की मदर को कॉल करके थ्रेट्स दिए। एंड असली मजा तो तब आया जब आउट ऑफ नोवेयर स्काउट भाई भी इस कंट्रोवर्सी में घुस गया। कह रहा है असली मजा तो तब आया भाई, क्या बंदा, असली मजा आया तब जब स्काउट भाई आए। देखते हैं क्या बोला स्काउट भाई ने। वेल यूजुअली तुम लोगों ने देखा होगा दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, सही बात है। इस केस में स्काउट और चीटो मैन की पहले से कंट्रोवर्सी थी, पर स्काउट भाई ने चीटो मैन की साइड ली एंड GTX स्पीड को ऑन स्ट्रीम काफी प्यार भी दिया। देखो इस पे एक कमेंट है, सुनो बेटा, GTX स्पीड तुम्हारे में कितना ही बड़ा होगा ना, बंदे सब बंदे हटे लो। बेटा सुन, जितने भी तू बड़ा है ना, वो तेरी सब अकड़ सब चीज है ना, मरोड़ बत्ती बना और गान में डाल ले। अरे भाई, ये वाला स्काउट चाहिए भाई वापस, भाई साहब ये वाला स्काउट अगर मिल जाता ना भाई, तो मजा आएगा भाई कसम से यार। ये वाला स्काउट मिल रहा भाई एक बार वापस। आप ना अगर घर पे फोन करने के लिए, अगर जनता चाहेगी ना तो रास्ते पे दौड़ा के मार चोट देगी तेरी, पता है। बस 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 हो गया। अब महीना आता है मार्च का, और इस महीने में अभी के एसिडल के K18, उस टाइम के एनडीटी के K18 और डायनो के बीच काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। हालांकि ये कंट्रोवर्सी वन साइडेड थी, बिकॉज़ डायनो की तरफ से हमें कुछ भी रिप्लाई देखने को नहीं मिला। अच्छा जी। सो केतन ने अपनी स्ट्रीम पर डायनो को कॉल आउट एंड पोक किया दैट डायनो पबजी को एमुलेटर पर खेलकर अपने व्यूवर्स को फूल कर रहे हैं। एंड ये सब स्टार्ट हुआ डायनो के स्पोर्ट्स की वजह से। फॉर मोर कॉन्टेक्स्ट, पबजी मोबाइल के लॉन्च के बाद डायनो इस गेम को एमुलेटर पर खेलकर स्ट्रीम किया करते थे। एंड ऑडियंस के पूछने पर उन्होंने ये पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने क्लियरली लिखा था मैं इस डिवाइस पर खेलता हूँ। अच्छा अच्छा, ऐसा भी था भाई, साफ साफ दिखता था वो तो भाई, उसकी कीबोर्ड की आवाज भी आती थी यार। 32,000 सब्सक्राइबर थे उस टाइम पे डायनो के। भाई भाई कैसे कर सकता है भाई कोई इतना खतरनाक काम कि भाई ले इमुलेटर पे, क्या इमुलेटर पे, तो आईपैड पे खेलता हूँ। डैम ब्रो, उन्होंने अपने व्यूअर्स को झूठ बोला एंड कुछ टाइम बाद यही चीज उनको बैकफायर कर गई। सो व्हाइल केतन वाज स्ट्रीमिंग, उन्होंने डायनो को क्रिटिसाइज किया कि वो पबजी मोबाइल को एमुलेटर पर खेलते हैं एंड डायनो अपने व्यूअर्स को फूल करते हैं। इनडायरेक्टली नहीं बोल रहा ब्रो, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ डायनो को। डूड तो बोलेगा नहीं बोलेगा, बट 3.2K के सामने अगर पहुंचेगी अपनी तौर पर बोल रहा हूँ, लेजिट चीज बोल रहा हूँ। तो भाई इसके 10 मिलियन सब्सक्राइबर हुए, मैं तो इसके लिए खुश हूँ, बट सीरियसली वो 10 मिलियन सब्सक्राइबर इज लाइक जीरो टू एनी काइंड ऑफ इंडियन गेमिंग कम्युनिटी। वेल ऑनेस्टली, क्यों भाई डायनो को अपने व्यूअर्स के साथ यार देखो भाई, कोई एमुलेटर पे खेल रहा है, कोई फोन में खेल रहा है, कोई आईपैड में खेल रहा है, इट डजंट मैटर भाई, बंदे एंटरटेन होने चाहिए भाई साहब, समझ रहे हो तुम। कंटेंट क्रिएशन का मतलब यही है। वो बंदा है भाई, अगर कहीं पे ई स्पोर्ट्स वगैरह खेलने जा रहा है तब भी समझू क्या, तो क्या हो गया भाई, ये बात गलत है कि आप एमुलेटर में खेल के आईपैड दिखा रहे हो, वो अलग बात है, बट ठीक है भाई। ऑनेस्ट रहना चाहिए था, बट टू बी ऑनेस्ट इन दिस कंट्रोवर्सी केतन का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ हद तक ठीक था, पर उनका ये कहना कि मोबाइल का गेम मोबाइल में खेलना चाहिए वाज टोटली रॉन्ग। सही बात है, गेम्स वर एंड आर मेड फॉर फन एंड योर ओन एंटरटेनमेंट। अब चाहे तुम मोबाइल का गेम पीसी में खेलो या करेक्ट करेक्ट भाई करेक्ट, इट डजंट मैटर। सैडली लोग एक्चुअल गेमिंग का मतलब ही भूल चुके हैं। बट एनीवेज, 2 महीने यानी अप्रैल और मई के लिए गेमिंग कम्युनिटी काफी सुधर गई थी एंड स्लो हो गई थी क्योंकि कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं हुई, बट जून एंड जुलाई ने वो सारी कमियां पूरी कर दी। तो शुरुआत होती है स्काउट और डायनो से। अच्छा, डायनो से नहीं स्काउट से स्टार्ट होती है, बिकॉज वो अपनी स्ट्रीम की शुरुआत कुछ ऐसे करते हैं। यो गुड मॉर्निंग एवरीवन, बाय द वे यार एमुलेटर की बात चीज, वेलकम टू पबजी मोबाइल, बोलते हैं डायनो को जाके गान का गूदा लगा ले, बाप बैठा है इधर, सब्सक्राइबर लेके बैठ जा, छाट फेंकनी पड़ता है, पब्लिक में इज्जत होनी चाहिए, ठीक है। बोला था तुम लोगों ने देखा होगा, लोग अपनी स्ट्रीम की शुरुआत भगवान का नाम लेकर करते हैं, पर स्काउट भाई सबसे अलग हैं। वो अपनी स्ट्रीम की शुरुआत ही सबको पेलने से करते थे। भाई ये वाला स्काउट मिल जाए ना भाई एक बार, बहुत इम्पॉसिबल टाइप है ये चीज, क्योंकि ना अब लड़की भी आ चुकी है जिंदगी में, ठीक है। और उस टाइम पे भाई डरता नहीं था यार किसी से, अब मैनेजमेंट है भाई पूरी SA12 की,
समझ रहे हो तुम, ये डिफरेंस है जो कि अब नहीं करने देगा भाई, ऐसा कोई काम था उसको। वेल टू कंक्लूड, स्काउट के ये बोलने के बाद डैनो भाई कौन सा रुकने वाले थे, उन्होंने इसके जवाब में कुछ ऐसे शॉट्स दिए। मैं स्काउट को गाली दिया तो कुछ नहीं बोलेगा यार, कुत्ते भौंकते हैं, मैं भौंकने में विश्वास नहीं रखता, मैं अपने काम करने में विश्वास रखता हूँ। अच्छा, जो भौंकेंगे वो भौंकते रहेंगे, हमेशा इसे याद रखना कि आंट हमेशा। After this, डायनो भाई यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने ऑन स्ट्रीम स्काउट भाई पर रेड करी अपनी पूरी पलटन के साथ। अच्छा जी, चीज करते, क्या चाहिए उस बंदे को, एक सेकंड, क्या चाहिए उसको, व्यूज चाहिए ना, चलो उसको व्यूज लेके आते। बट हमारी जनता भी कमाल की थी, क्योंकि हमारी जनता सबको इक्वली प्यार देती है, किसी के साथ भी ना इंसाफी नहीं करती, इसलिए दोनों को बराबर और भर भर के प्यार दिया। उसको बोलना है पहले, उसको बोल पहले वो कर देने के लिए, क्या बोलते हैं, अपना चैनल को मेंबर ओनली से हटा दे, फिर बात करें। चल रही इनको रिपोर्ट डायनामो भाई, क्या क्या लिख रहे हैं भाई, ये क्या क्या लिख रहे हैं भाई साहब, ये क्या क्या लिख रहे हैं भाई। ज्ञान वो भाई, ऐसा बड़ा सीन हो रखा है भाई कम्युनिटी में, मेरे को पता ही ना भाई। तो मिसलीड, तुम लोग मिसलीड होता, रिपोर्ट बोल दिया मार्च बने डायनामो गए रहे मेरे लोग भाई। देखो भाई, सीधी सीधी सी बात है भैया, लेफ्ट की तरफ जा रहा हूँ, चट्टे कितने भी बड़े हो जाए। भाई दोनों जगह एक ही डायलॉग चल रहा था, लगता है दोनों ही अनुराग कश्यप के फैंस हैं। अच्छा, ये कंट्रोवर्सी यहाँ खत्म नहीं हुई, बिकॉज स्काउट ने उस पूरी लाइव स्ट्रीम पर डायनामो को एक्सपोज किया एंड काफी अलग अलग चीजों पर शॉट्स लिए, जैसे कि उन्होंने भी डायनो के इस फेक स्क्रीनशॉट को लेकर उन पर एलिगेशंस लगाए। सो लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग हाउ अबाउट यू डायनामो, देयर इट इज, दिस इज द आईपैड सेटअप विद निंटेंडो स्विचेस। देखो पहली बात, ये जो है ना फोटो, ये एक आर्टिकल से उठाया है, ठीक है। वैसे तो उन्होंने काफी एलिगेशंस लगाए, बट मैं सबको इंक्लूड खुद का डिवाइस मेरी पोस्ट करा था भाई साहब, ओ डैम ब्रो, नहीं कर सकता। पर अब हम चलते हैं अपनी अगली कंट्रोवर्सी पर, जो कि जुलाई में हुई थी। वैसे कंट्रोवर्सी से मुझे याद आया, सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि कर लो भाई, सब्सक्राइब करो मैं रह जाऊंगा। हाँ, तो डायनामो भाई की मुसीबत यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि उन पर हैकिंग के एलिगेशंस लगे, और ये हुआ था जब डायनो भाई ने अपनी एक लाइव स्ट्रीम पर स्मोक में एडजस्ट करके एनिमी को वन शॉट नॉकआउट किया था। डायनामो के इस शॉट के बाद काफी लोगों के अलग अलग स्पेकुलेशंस भी आए कि डायनो भाई 100% हैक कर रहे हैं, और इस कंट्रोवर्सी में काफी बड़े बड़े स्ट्रीमर्स भी इन्वॉल्व हुए, इवन पीसी स्ट्रीमर्स। डायनो की क्या लग रही है भाई, ये जैकेट वैकेट जो भी है। इस पर डायनो ने क्लेरिफिकेशन देते हुए कुछ ऐसा रिप्लाई दिया, वो तो तुमने देखा हुआ था, इसके लिए तुम मारा, बट थिंग इज क्रॉस हेयर, वो बोल रहा है कि तुम्हारा एडजस्ट हो रहा है, तो वो मुझे नहीं पता, बिकॉज़ एडजस्ट तो होगा ना ब्रो, मैं तो गेम कर रहा हूं ना, वही बोल रहा हूं, मुझे हैक्स के बारे में आईडिया नहीं है, बिकॉज़ मुझे इतना पता है कि तुम सामने बंदे देख रहे हो, एडजस्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ हिसाब से, जो भी एलिगेशन लगे थे वो उन्होंने इजिली खुद ही रिवोक करवाए। अब ये सब देख के स्काउट भाई फिर से जाग गए, क्योंकि जुलाई में ही काउंटर वर्सेस स्काउट। अच्छा, नेक्स्ट एपिसोड भी है क्या भाई साहब? गाइस, नेक्स्ट एपिसोड है, बताओ सब लोग बताओ मेरे को, इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? बाकी भाई साहब कंट्रोवर्सी की रेल बंद तक रखी है भाई। देखो यार, मैं पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी कर रहा हूँ हर चैनल पे, तो बताओ भाई कैसा लगा वीडियो, मज़ा आ गया होगा, मैं तुम्हें, मेरे को पता है भाई कंट्रोवर्सी सबको पसंद है, ठीक है। लाइक भाई कर दो, शेयर वेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, लव यू ऑल। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लेट्स गो।